सीधो हिसाब है हम के भोजाई चैडी बिंदनी आई है मारा आ हा 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 हम के नरसी जी हम तो नरसी जी डरे एक नीन दूध एक ने हम वाले भारियो माम नरसी जी महाराज भगवान रा भजन करे नरसी जी रे कन जत खूब रुपया हा नरसी जी री एक छोरी भी पहलोड़ी पहलोड़ी जो औरत ही उनने एक छोरी भी उन छोरी ने नरसी जी पैसा लता खूब हा तो उन ब्याव अंजार नगर में श्रीरंग जी के घर में करायो उन लड़की रो नाम नानी बाई नानी बाई श्रीरंग जी के घर में रहती नानी बाई कई वर्ष बीत गया करीब 20 साल के बाद में नानी बाई के घर में एक ब्याव मंडियो नानी बाई रे बेटी रो अब नानी बाई री बेटी रो जो घर में ब्याह मंडियो महाराज किन प्रकार देखो घर रो माहौल है किन प्रकार घर रे मायने अब नानी बाई री एक बेटी ही उन्नो ब्याह मंडियो सारे घर रे माय उत्सव ही उत्सव वेगो है देखो महाराज किन प्रकार सब लोग भेड़ा बिया है नानी बाई री बेटी रो ब्याह मंडियो है तो पूरा परिवार रा सगा संबंध भेड़ा बिया है ब्याह रे माय ने सब लोग भेड़ी वेन जाजम बिछाई है महाराज अरे नरसी जी री डीक दीने नानी बाई राम जी नरसी जी डीक दीने नानी बाई नरसी जी री डीक दीने कुमकुम पत्र लिखाए राम जी मांग कृष्ण भगु शब्द भी कुमकुम पत्र लिखाए भाई बंद मेरा होया और जजम दिवी बिछाए राम जी भाई बंद मेरा हुआ जजम दे बिछाए हरे भगत महाराज सब लोग भेड़ावे नरसी जीरी डीकरी नानी बाई नाम
नानी भाई रो ब्याह मंडियो, नानी भाई री बेटी रो और सारा लोग भेड़ा वेन दिन कियो। माघ कृष्ण भृगु सप्तमी माँ मीनारी अंधारी पग में हाथ उतरे दिन। अब हैंग लोग भेड़ा बिया है महाराज, सब भेड़ा वेन कुमकुम पत्री रो दिन है। आज कुमकुम पुत्री लिखी जी हैंगर वास्ते पहला बहुत नियम कायदा हूं काम वे तो कई 15-20 दिन पहला हैंग लोग जाग जमाते भेड़ा वेता कुमकुम पित्री लिखी थी हैंगूं पहला मोटा ब्याई ने पत्रिका लिखी थी एडो एकदम बढ़िया तरीको हो। और महाराज सब लोग किया बैठता एक जाजम माते हैंग लोगों वास्ते एक जाजम बिछाई जाती है। आजकल कुंकू पत्रे तो लिखी ने दौड़ घर में मेहमान आवे जन बैठे सोफा माते जाजम बिछावना रीति खत्म कर दी। जाजम रे पीछे बहुत बड़ा बड़ा कारण है। पहला आपस में भाइयों रे बीच में मन मुनावे तो अगर ओ भाई इन भाई नु बोलतो तो उन दिन ब्याह शादी रे दिन हैंग लोग भेड़ा वे दोई भाया ने एक जाजम माते बिठावता और केवता कि अगर दोया रे मन में कोई भी ऊंची नीची बात हो तो जाजम रे नीचे गाल दो बात यूं झगड़ो मिट जा तो एक मिनट में। लेकिन आजकल जाजमा उड़गी ए पत्र नहीं उड़गा हम तो सीधा ही सोफा माते पर किन्ने नीचे गाले बात ही महाराज सब मामलो ही खत्म कर दियो है? तो इन प्रकार जाजम बिची जी है भाई बंद भेड़ा बिया। अब श्रीरंग जी महाराज नानी भाई रे ससुर जी श्रीरंग जी महाराज बैठा है हैं सगा संबंधी बैठा। अब बीच में ब्राह्मण आया जोशी जी आए ने केवन लगा कि अब पत्रिका लिखी जरी है पहला सांवरिया सेठ रे वास्ते बचे गजानन जी रे वास्ते बजे तीसरी पत्रिका तुलसी जी ने अर्पण करी और चौथी पत्रिका हैंगो मोटो जवाई कुण हैंग घर में सास नड़न देरानी जटानी हैंग पूरो परिवार बैठो है जुई नाम आयो के हैंगो मोटो जवाई कुण है कि कोई नहीं बोले चुप चाप। अब महाराज नरसी जी महाराज रकन तो धन दौलत ही तब तो नानी भाई रो ब्याह कराए थे इन 12 साल रे मायने नरसी जी तो है धन दौलत एक साल में लुटाई थी। वे तो फकीर बाबू नाम में तो खाली एक हवेली इन अलावा कुछ नहीं। अब नारे ससुर जी जानता हा सगा संबंधी जानता कि नरसी जी कने एक रुपये को नहीं। अबे पत्रिका मोटोड़ा ब्याई ने लिखनी है। अब मोटोड़ा ब्याई तो नरसी जी कोई नाम नहीं लेवे के नरसी जी ने बुलावो कोई चावेज नहीं। अब पूरा घर में सन्नाटो इताक में एक डोकरो उबो वियो डोकरो उबो वेन केवे डोकरान ध्यान कोनी थोड़ी थोड़ी दीखती अमल रे नशा में रेव तो डोकरो होले होले बोलियो हैंगो मोटा ब्याई तो नरसी जी है सा। नरसी जी है जन हैंग सगा संबंधी बोलिया लिखो सा नरसी जी ने पत्रिका लिखो। अब वे घरी जो लुगाया बैठी ही हैंग नानी बैरी सास नडन देरानी जटानी ए हैंग मन में विचार कर अब वो मोटियो ही आई हमें ए मारा ब्याह बिगाड़न वास्ते भजन गाउन ना आई मोटिया मारे सगा संबंधी ऐडा तो नहीं आवे तो इस ठीक है महाराज। अब माए माए गलियां देवे हैंग भेड़ी वेपरी ओहो अटने हैंग भाई लोग भेड़ा वेन पत्रिका लिखी जरी है नरसी जी महाराज रे वास्ते कि नरसी जी ने मायरा में इनवाइट करो उन्होंने पत्रिका देवो निमंत्रण देवो। अब नरसी जी महाराज ने पत्रिका लिखी जी। अब पत्रिका लिखिया बाद में घर में सब सन्नाटो है घर में सन्नाटो देखने थोड़ी देर में नानी बारी दादी सासू आई मंदिर हास नहीं हो दादी सासू नानी बाईरी दादी सासू घर में आवते ही देखियो कि हैंग लुगाया चुपचाप बैठी है। दादी सासू पूछे कहीं बात कहीं भी हो हैंग इतनी चुपचाप क्या बैठी हो तब केवे कि अबे आ नानी रो बाप वो मोटी आपनो ब्याह बिगाड़न वास्ते मरेला उन्ने मैं चावा कोनी तो ही पत्रिका लिखनी पड़ रही है। इन प्रकार जुई केवन लागी टोकरी के बस इतनी सी बात देखो महाराज डोकरे बहुत होशियार वे हर चीज रो हल उड़ा रे कने नानी बाई सासु केवे बस इतनी सी बात ले अब आर हल निकालो नानी बाई सासु के अब रेवा दोनी सासु जी बैठ जाओ थे
कहीं थाने थान कोई हमें जो दावे को नहीं फालतू नहीं कहीं इतनी सी बात मोटी बात मारो ब्याह बिगड़ जाऊँ थान इतनी सी बात लगे अरे डोक दादी सासू के वे अरे बिंदनी थारू तो थारी मुई तू नानी री सास लेकिन मुँह थारी सास है मारे कन कई तरीका है थारे कन जितो तजुर्बो नहीं जितो मने बैठ मारे कन थन बताऊँ बात बिटाई कले कि देख पहली ब्याह है पहली ब्याह में अगर नरसी जी आवेला तो अपनी बेटी रे वास्ते अपनी दोईती रे वास्ते मायरू लेन आवेला आपा यूं करा कि इत्तो मायरू लिखा कुंकू पत्री में कि कुंकू पत्री पढ़ते ही फेंक न नाई जावे डोकी मायरो भरी जेला कोनी और मायरा में आवी जेला कोनी आपनो ब्याह भी बच जाई अपनी प्रतिष्ठा मान भी बचो रह जाई और सब काम शांति जन महाराज बात तय वेगी डोकरी रे केते न नानी बाई सासु ने समझ में आएगी कर वारे वाह सासु जी वाह मैं थाने होस्ती के तो यूं ही बोझ मरो लेकिन थे तो आज काम आया अबे है इन जना भेड़ा वेन महाराज देखो किन प्रकार हूं सब भेड़ा विया है और सब भेड़ा वेन नानी बाई रो देवर नारायणन बुलायो हाथों हाथ बिटायो कागज और कलम मंगवाई और लेखक ने बुलायो आवो लिखो मायरो इत्तो मायरो लिखो जिन्नी कोई कमी नहीं अब हैंग खिलावे देखो महाराज सास नडल दी और देरानी जेठानी सब मिल बैठी आई राम जी सास नडल दी और देरानी जेठानी सब मिल बैठी आई बात कलम कागज लिखवायो लेखक दियो बुलाये राम जी दात कलम का कागज मंगवायो लेखक दियो बुलाये हरी देखो महाराज कहीं कहीं लिखवायो मायरा में सवा पच्चीस मण लिख दो सुपारी सवा पच्चीस मण रोरी राम जी सवा पच्चीस मण लिख दो सुपारी सवा पच्चीस मण रोरी सवा पच्चीस मण लिख दो गले और मेवारी बोरी राम जी सवा पच्चीस मण लिख दो गले वो और मेवारी बोरी हरी हजार धान में मुंदिरा लिख दो साल दू साला का राम जी हजार धान में मुंदिरा लिख दो साल दू साला हट्टा कर नरसी राम जाई बक्तावर छे बापड़ा हो हट्टा कर नरसी राम जाई बक्तावर छे बापड़ा हरी अस्सी हजार तो मोहरा लिख दो करोड़ रुपया रो अस्सी हजार तो मोहरा लिख दो करोड़ रुपया रो कागज में दोई आटा लिख दो यूं बोली डोकरी अरे कागज में दोई आटा लिख दो यूं बोली डोकरी हरी अरे भगत बदल सार सब का राम जी भगत बचल प्रभु सार सब का अब महाराज इन प्रकारों पूरो मायरो हो इतो मायरो निकलो कोई हद नहीं अरे पूरी डांट की गाली कोई सालारी कोई बड़ी वेपरी नहीं अब कहीं कहीं लिखायो नारायणन बुलायन नारायण के लिख सवा पच्चीस मण लिख तो सुपारी हवा पच्चीस मण सुपारी इतना न कहीं खाटो रानी कर गई हवा पच्चीस मण एक ब्याह नारायण के वे अरे मम्मी एक तो हुपारी हूं तो पंडित जी पूरो कहीं एक नहीं पूरा गांव का ब्याह कर दे हवा पच्चीस मन रो कहीं नौकरी के बतारा लिखना होगा मैं वे जितनी काम ले ले हूं बाकी भेज दे मैं पैसा आई ठीक सा लिखो हवा पच्चीस मन लिख दो सुपारी
सवा पच्चीस मण रोरी दीवार माते पोते जो को रोड़ी महाराज कोई कमीज नहीं अरे सवा पच्चीस मण लिख दो कवे वो कले वो महाराज खाउन पीउन नो सामान और मेवारी बोरी मेवा किया पंच मेवा हुको मेवो अंग्रेजी में केवे ड्राई फ्रूट हैं काजू पिस्ता बादाम ओहो एक बोरी भरने एक 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 काजू री बोरी एक एक बादाम री बोरी एक दाग एक पिस्ता री बोरी कोई कमी नहीं एक चीज री बोरी भरी नहीं ओई कम तो अबे केवे हजार थान में मुंदीरा लिख दो साल दू साला कपड़ा कोई हजार थान महमुद्दीन कपड़ा नो हो कोई चीज मंगाई है पचे इतना में हैंग भिड़ावे ना वैसे अरे ठट्टा करन सीरा।